शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारत द्वारा गेहूं पर प्रतिबंध लगने के बाद इस बात की भी चिंता है कि भारत गेहूं के बाद चावल का निर्यात करता है या नहीं। वहीं चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, इस चिंता ने चावल व्यापारियों को मुश्किल में डाल दिया है, जिससे उन्होंने अधिक से अधिक चावल खरीदना शुरू कर दिया है ताकि वह बाद में ऑर्डर पूरा कर सके। हालांकि सरकार और व्यापार अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। वहीं चावल निर्यात देशों और वर्तमान में सरकार की चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि भारत में चावल की कीमतें स्थिर हैं और स्थानीय गोदाम चावल के भंडार से भरे हुए हैं। वहीं सरकार के इस बयान से उन देशों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो चावल के आयात के लिए भारत पर निर्भर हैं और पहले से ही खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं इस बार फिर से देश में भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD अच्छी बारिश भविष्यवाणी की है, इसलिए भारत के पास बढ़ने के लिए अधिक चावल का भंडार होगा। वहीं भारत में इस बार धान की बुआई का क्षेत्र और मॉनसून की बारिश तय करेगी कि भारत वैश्विक चावल बाजार में अपनी उपस्थिति कैसे बनाए रखेगा। चूंकि मॉनसून में बारिश की कमी के कारण पैदावार प्रभावित होगी, इसके परिणाम स्वरूप राज्यों के पास स्टॉक की कमी हो सकती है। इससे देश के 14 लाख लोगों को चावल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही ये भी पता चलेगा कि भारत चावल का निर्यात कर सकता है या नहीं। भारत का चावल निर्यात वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 21.5 मिलियन टन को छू गया, जो दुनिया के अगले 4 सबसे बड़े अनाज निर्यातक थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त शिपमेंट से अधिक है। वहीं खबर के मुताबिक चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वैश्विक चावल बाजार में भारत की हिस्सेदारी 40% है। उच्च घरेलू स्टॉक और कम स्थानीय कीमतों ने भारत को पिछले 2 वर्षों से चावल में छूट की पेशकश की है ताकि एशिया और अफ्रीका के देशों को गेहूं की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। वहीं भारत 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करता है, इसके निर्यात में कमी से खाद्य संकट पैदा हो सकता है। चावल 3 अरब से अधिक लोगों के लिए एक प्रधान है, इसलिए जब भारत ने 2007 में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तो वैश्विक कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई। भारत से निर्यात को प्रतिबंधित करने का कोई भी कदम चावल का आयात करने वाले लगभग हर देश को प्रभावित करेगा। ये प्रतिद्वंदित आपूर्तिकर्ताओं थाईलैंड और वियतनाम को उन कीमतों को बढ़ाने की अनुमति देगा जो पहले से ही भारतीय शिपमेंट से 30% से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।